गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः हे बाल गणेश मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना आप आ गए स्वामी प्रसाद रानी इंदुमती हमें तो ये समझ नहीं आता कि हम जैसे रूपवान पति को छोड़कर आपका मन इस मोटी तोंद और लंबी नाक वाले में कैसे लगता है हम राजा चित्रंगद है हमारे जैसा कोई रूपवान राजन मैं हम शिकार करने जा रहे हैं जंगल में हे बाल गणेश इन्हें माफ कर दीजिए इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कृपा करके अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखें आओ 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 सही कहा अगम नंदी को जब देखो तब गुस्सा आ जाता है कितना गुस्सैल है वो और गुस्से में उसकी शक्ल एकदम भयानक हो जाती है अरे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी डर जाएं उसकी डरावनी शक्ल देखकर क्या अरे नहीं अकेले नहीं हम दोनों मिलके नंदी को ऐसा सबक सिखाएंगे वो रोज हमें इसी तरह से मालिश करेगा अरे सेवक इतनी जोर से नहीं धीरे धीरे क्या तुम्हारे शरीर में नंदी की आत्मा आ गई है क्या नंदी तुम नहीं वो तो हम तो मैं डराने की चीज हूँ अब तुम दोनों को डराता हूँ मैं रुक तेरा मैं निकालता हूँ अरे नंदी क्या हुआ तुम्हें इतने चिंतित क्यों हो क्या फिर से तुम्हें अगम और बगम ने परेशान किया नहीं प्रभु अगम और बगम से मैं परेशान नहीं हूँ इनको ठीक करना मुझे आता है मैं परेशान हूँ राजा चित्रंगद से प्रभु वो हमेशा आपके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं आप कुछ कीजिए प्रभु आपको तो पता ही है रानी इंदुमती आपकी कितनी बड़ी भक्त है शांत नंदी शांत राजा चित्रंगद का रूप ही उसे धर्म संकट में डाल देगा चित्रंगद हो ना तो रूप के धनवान सोचती हूँ तुमसे शादी कर लूं फिर हम दोनों मिलके शिकार करेंगे और गुम होने की समस्या ही खत्म क्योंकि ये जंगल मेरा है यहाँ की हर चीज मेरी गुलाम है ये तो राक्षसनी का जंगल है और महाराज तो अंदर घोर जंगल में चले गए हैं। हमें रानी को बताना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा
मुझे प्रभु से मदद मांगनी होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कुरुमदेव। ओहो प्रभु, ये श्लोक कितने कठिन हैं। मूषक, श्लोक कठिन नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कठिन है। प्रभु, प्रभु, प्रभु। अरे नंदी, क्या हुआ? राजा चित्रंगद को राक्षसनी ने पकड़ लिया है और उससे विवाह करना चाहती है, और यदि राजा ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। आखिर राजा के इस रूपवान शरीर ने उसे धर्म संकट में डाल ही दिया। चलो मूषक, आज की पढ़ाई खत्म। चलो आज उस राक्षसिनी को पाठ पढ़ाते हैं। मान जाओ राजा, शादी कर लो मुझसे। ये दिल तुम्हें मार डालेगा और फिर लोग मुझे ही बदनाम करेंगे कि मैंने तुम्हें मारा। बड़ी जल्दी है तुम्हें विवाह करने की राक्षसिनी। तुम लोग कौन हो? अच्छा, पंडित हो, मेरी शादी करवाने आए हो। राक्षसिनी, राजा को छोड़ दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे डरा रहे हो? मुझे? मुझसे तो दुनिया डरती है और तुम मुझे डराने चले हो। मत भूलो, ये मेरा जंगल है और यहाँ मेरा राज है। यहाँ की पत्तियाँ भी मेरी दासी है। चलो जाओ यहाँ से। मैं जाने नहीं, तुम्हारी अकल ठिकाने करने आया हूँ। अकल लो इन सब और मार लो। देखा तुम्हारे साथियों का क्या हाल किया मैंने? तुम्हारी इच्छा तो बहुत हो रही होगी मुझे मारने की, मुझे डराने की। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम मुझे मारो, मुझे डराओ। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं राक्षसिनी, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। क्या तथास्तु? डराने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ इस पृथ्वी पर कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। चली जाओ और वापस कभी मत आना। बाल गणेश, मुझे माफ कर दो। मैं अपने सौंदर्य में इतना पागल हो गया था कि मुझे अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आ रहा था। प्रभु, मैंने आपको भी भला बुरा कहा। मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। बाल गणेश,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पति की जान बचाई। बाल गणेश, मैं हमेशा रानी को टोकता था आपकी पूजा करने से, लेकिन आज इसकी श्रद्धा की वजह से ही मेरी जान बची है। आज के बाद सिर्फ रानी ही नहीं, रोज हम दोनों आपकी पूजा करेंगे। राजा, मुझे खुशी है कि अब तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड नहीं है। तुम्हारी पत्नी के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप तुम आज सकुशल निकल पाए हो। प्रभु चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। माता के हाथों के मोदक खाते हैं, चलिए ना। अरे हाँ हाँ मूषक, हम सब आ रहे हैं। प्रभु मत सासु, यहाँ से जाने को नहीं परंतु कैलाश पे राज करने आया हूँ। अगर तुम इस नदी में नहीं आते तो मैं अब तक शिव जी और सभी को बंदी बना के कैलाश पे राज कर रहा होगा। बालक तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ बाल गणेश। चिंता मत करो मुशक। परंतु माँ आपने उसे नहीं देखा, वो
राक्षस बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। अच्छा, तो क्या हमारा गणेश कम है? वो भी तो शक्तिशाली है। क्या कर रहे थे? मैं तो ठंडे पानी का मजा ले रहा था। नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। अब गणासुर इस मणि का दुरुपयोग करके हर जगह त्राहिमाम मचा देगा। मुझे शीघ्र ही बाल गणेश जी की आराधना करनी होगी। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मुझे क्यों बुलाया? प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। भूल? और आपसे? हाँ बाल गणेश, मुझे आपने इतने विश्वास से चिंता मणि दिया था और मैं मूर्ख, मैंने उस महाशक्तिशाली मणि को अपने गले में पहन लिया। तो उसमें क्या बुरा किया? आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। नहीं नहीं बाल गणेश, मुझे उस मणि को गले में नहीं पहनना चाहिए था। वो सबकी नजर में आ गया, जिसकी वजह से बड़ी समस्या हो गई है। समस्या? इसमें कौन सी समस्या मुनिवर? मैं वो मणि नहीं संभाल पाया बाल गणेश, नहीं संभाल पाया। गणासुर ने चिंतामणि को चुरा लिया। उसका ये दुस्साहस! चिंतामणि की असीम शक्तियों से वो सब कुछ नष्ट कर देगा। इस धरती को, इंसानों को, प्राणियों को, किसी को नहीं छोड़ेगा। वो एक आप ही है प्रभु जो इस पृथ्वी को विनाश से बचा सकते हैं। आप चिंता ना करें मुनिवर, वो मणि आपको वापस मिल जाएगा। प्रभु धन्यवाद। ah
इस चिंतामणि के होते मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पहले तो मैं उस ऋषि कपिला को मार दूंगा और फिर कैलाश जाकर सारे देवताओं को सेनापति, हम इसी समय आक्रमण करेंगे। सभी दानवों को तैयार करो। कहाँ जा रहे हो गणासुर? तुम्हारी मृत्यु तो यही लिखी है, फिर तुम क्यों कहीं और जाने का कष्ट कर रहे हो? बाल गणेश, अच्छा हुआ कि तुम यहीं आ गए बाल गणेश, क्योंकि मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु यही लिखी है, और वो भी मेरे हाथों से। ये तो समय ही बताएगा कि किसकी मृत्यु तय है। अरे कायरों, तुम क्या देख रहे हो? मार दो इसे! नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम दे रहे हो या मैं मारू? अरे तुम क्या मारोगे मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर तुम्हारे पिता भोलेनाथ को मैं अमर हूँ। पिता दोनों को मार दूंगा। Thank you.
नहीं बाल गणेश, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरा चिंतामणि पर कोई अधिकार नहीं, इसे कृपा करके अपने ही पास रखिए। पर क्यों मुनिवर? प्रभु, ये जिस किसी के भी हाथ लगेगा वो इसका दुरुपयोग कर सकता है, और अगर कभी ये मेरे आश्रम से फिर से चोरी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी इच्छा। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय।